टाइगर हिल्स करगिल युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन था और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट था। इसे पाकिस्तानी आर्मी ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ था और उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था क्योंकि द्रास सेक्टर से जो नेशनल हाईवे 1 पास हो रही थी उसके बिल्कुल समीप था टाइगर हिल्स। इसे इंडियन आर्मी को वापस लेना था लेकिन इंडियन आर्मी ने आसानी से इसे वापस नहीं लिया था। इसके लिए हमारे बहुत जवानों, ऑफिसर्स और JCOs ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज हम बायोग्राफी रिव्यू करेंगे सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव का। योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स में 16 साल 5 महीने के उम्र में ही आ गए थे। इनके पिताजी भी 1971 की लड़ाई में भारत की तरफ से लड़े थे और बचपन से ही इन्हें आर्मी में जाने का बहुत शौक था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये पहुंच जाएंगे ये इन्हें भी नहीं पता था। दोस्तों, जब करगिल वार हुई थी उस समय ये पोर्टर्स कंपनी में इन्हें डिप्लॉयमेंट हुआ था, लेकिन इनका डिप्लॉयमेंट काफ़ी एक अजीब आप कह सकते हैं समय में हुआ था। इनकी शादी हुई थी और एक ही दिन बाद इन्हें अपनी पत्नी को छोड़ के युद्ध के मैदान में जाना होता है। इंडियन आर्मी ऐसे ही होती है, देश और ड्यूटी सबसे पहले आता है और फैमिली बाद में आती है, लेकिन ये हम आम इंसान आदमी सिविलियन लाइफ में बहुत कम ही ऐसा सोच पाते हैं कि आर्मी और पुलिस फोर्सेस क्या क्या सेक्रीफाइसेस करती हैं। पोर्टर कंपनी दोस्तों इसलिए होती है, जब लड़ाई होती है, सामान पहुंचाना होता है हिली ट्रेन्स में, तो इनका ये ड्यूटी होता है कि वो जो छोटे सामान से खाना पानी हो गया और बुलेट्स हो गए, राइफल्स हो गए, इन्हें पहुंचाने का काम इनका होता है। लेकिन 22 दिन के इनके कार्यकाल में जब पोर्टर कंपनी में ये थे, इन्होंने दो ऑफिसर्स, दो जूनियर कमीशन ऑफिसर जिन्हें हम JCO कहते हैं, और 22 सोल्जर्स को सर्वोच्च बलिदान देते हुए देखा था। 22 दिन में इन्होंने 26 लोगों को अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देखा था। इन्हें दोस्तों घातक कंपनी में डिप्लॉय किया गया था। क्यों? क्योंकि घातक कंपनी जो थी उस समय वहाँ सोल्जर्स की बहुत भारी नुकसान हुई थी हमें, और इसी वजह से योगेंद्र सिंह यादव उन चुने हुए लोगों में से थे जिन्हें घातक कंपनी में डिप्लॉय किया गया था। घातक कंपनी दोस्तों हर इन्फेंट्री रेजिमेंट, इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, हर पैदल सेना में एक घातक कंपनी होती है जिसका काम यह होता है कि उन्हें फ्रंटल चार्ज करना होता है और इनकी ट्रेनिंग काफ़ी डेडली होती है, इन्हें इसीलिए तैयार किया जाता है। दोस्तों टाइगर हिल्स पर चढ़ाई कभी आसान नहीं थी। मैंने पहले भी पिछले जो 3 वीडियोस किए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये कितना मुश्किल ट्रेन था और यह सबसे ऊंचा पोस्ट तो था ही, लेकिन इसमें चढ़ाई करना लगभग माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर था और कठिनाइयाँ भी उतनी थी। और जब आपके पास 5 किलो का पेलोड हो और आपको गोलियों के बीच चढ़ाई करनी है, एक तरफ जहाँ पूरा स्टिफ चढ़ाई है और दूसरी तरफ पूरी प्लेन समतल धरती है, और दोनों ही तरीके से पाकिस्तानी सोल्जर्स जो ऊपर बैठे हुए थे उनका फायरिंग आपको हमेशा फेस करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तानी ट्रूप्स स्टेशन थे, इस जगह पे भी थे, टाइगर हिल्स यहाँ पे था, यहाँ के आसपास जो ऊंचाई पोजीशन है वहाँ पे भी पाकिस्तानी सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, और जो ये द्रास सेक्टर है वहाँ पे जो हमारे ये रोड है नेशनल हाईवे 1, इस पे अगर उनका कब्जा हो जाता और उनका मोटिव भी यही था तो हमारे कम्युनिकेशन चैनल ही पूरा बंद पड़ जाता। लेकिन दोस्तों इंडियन आर्मी कर्नल सर के ऑर्डर और एक लेफ्टिनेंट थे उन्हें लीड कर रहे थे और इन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी। और ज़्यादातर करगिल के जो ऑपरेशंस होते हैं वो रात ही में कंडक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि रात में विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। अब जब ये लोग चढ़ रहे थे और आधे से ज़्यादा चढ़ाई इन्होंने ख़त्म कर लिया था, उसके बाद अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है और फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ होती है कि कुछ सेना पार कर पाते हैं और ज़्यादातर सेना पीछे ही छूट जाते हैं। अब लेकिन जब ये पार कर गए, उसमें से योगेंद्र सिंह यादव भी एक थे, तो सर और उनके साथियों ने, वहाँ पे उनके सीनियर्स भी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब पीछे मुड़ के हम जा नहीं सकते क्योंकि फायरिंग लगातार हो रही है, और आगे बढ़ने से उनके पास एम्युनिशंस कम थे और इन्हें जो पीछे का सपोर्ट था वो भी बहुत देर बाद मिलता, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें आगे बढ़ना है। इनके साथ जो CO सर थे उन्होंने कैसे करके मैसेज पहुंचाया था और आर्टिलरी रेजिमेंट ने पीछे से सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। आर्टिलरी रेजिमेंट का मतलब ये है कि पैदल टुकड़ी जो सेना जाती है उसके पीछे एक आर्टिलरी होता है और एक आर्मर्ड होता है,
तो एक टैंक रेजिमेंट होता है और आर्टिलरी में आप यहाँ देख सकते हैं बोफोर्स होता है, हाविट्जर होता है, उनके द्वारा फायरिंग की गई और इसके बाद उन्हें जब सपोर्ट मिला तो उन्होंने फ्रंटल चार्ज किया और इन्होंने घातक तरीके से चार्ज किया और चार पाकिस्तानी सोल्जर्स जो बंकर के अंदर थे उन्हें मार गिराया गया था। लेकिन जब इनके ऊपर भी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और वहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स के दूसरे पोस्ट थे उन्हें आगाह हो गया था, उसके बाद इनके काफ़ी सोल्जर्स मारे गए थे और आखिर में जाके सिर्फ 3 सोल्जर्स बचते हैं और योगेंद्र सिंह यादव सर, इनके जो सीनियर हवलदार थे उनका भी नाम योगेंद्र सिंह था, उन्होंने ऑर्डर दिया जब फायरिंग शुरू हुई कि बंकर के अंदर चले। बंकर का क्या मतलब होता है मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, कैप्टन मनोज पांडे का जब मैंने रिव्यू किया था आप देख सकते हो। दोस्तों बंकर के अंदर जब जाने के लिए कहा गया योगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सर वहां तो लैंडमाइन हो सकता है और लैंडमाइन आपको पता है उनके ऊपर पाव आप देंगे तो आप पूरी तरीके से वो फट जाएगी और आपके चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन हवलदार ने कहा कि आप पहले गोलियों से बचो उसके बाद इसके बारे में सोचना। तो ये लोग चले गए, जिन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इन्होंने मारा था उस बंकर के अंदर उन्हीं के बीच ये जाके फायर करने लगे। इनके पास एक स्नाइपर था, एक योगेंद्र सिंह यादव थे और एक थे हवलदार जो उनके लीडर थे। दोस्तों तब तक योगेंद्र सर को गोलियां लग चुकी थी और इनके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। जब इन्हें ऑर्डर दिया गया कि आप स्नाइपर के साथ जाके रहें, वे गए और उन्होंने कहा कि आप बैंडेज मुझे लगा दीजिए। लेकिन उन्होंने बैंडेज नहीं लगाया, इंडियन आर्मी को आप देखिए, उन्होंने कहा कि पहले आप बंदूक संभालें उसके बाद फिर आप देखिए इसके बारे में। दोस्तों लेकिन थोड़ी देर बाद जब फायरिंग हो रही थी, कंटिन्यूस हो रही थी, तो स्नाइपर जो हवलदार लीड कर रहे थे स्नाइपर पे थे वो, उन्होंने इनकी पोजीशन देखी और इन्हें बैंडेज निकाल कर जैसे वो बांधने लगे वैसे ही एक LMG की शेल आती है और इनके सर को पूरी तरीके से ब्लो ऑफ कर देती है। इनका सर इन्हीं के योगेंद्र सिंह यादव के जस्ट बगल में थे फट जाता है, योगेंद्र सिंह यादव झुक जाता है और साथ ही साथ थोड़ी देर में उनके जो लीडर थे हवलदार थे योगेंद्र सिंह उनके भी हाथ कट के गिर जाता है क्योंकि उन्हें भी एक शैला के लग जाती है और एक बंदा जो साइड में होता है उन्हें गोली लग जाती है और उनकी आँखें बाहर निकल आती है और योगेंद्र सिंह यादव को तब पता चलता है कि वहाँ पे 15 से 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे वो उनके बंकर के ऊपर ही खड़े थे और बहुत से सोल्जर्स आ भी गए थे, करीबन 35 सोल्जर्स वहाँ पे आ चुके थे। ये लोग पहले से आउट नंबर थे, अभी तो कोई भी नहीं बचा था और योगेंद्र सिंह यादव को अब तक 15 गोलियाँ लग चुकी थी। जी हाँ दोस्तों 15 गोलियाँ, लेकिन ये अभी तक लड़ रहे थे, इनकी एक हाथ काम नहीं कर रही थी अब तक और पैर भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी सोल्जर्स को ये लगा, उन्होंने चेक किया और ये तब तक ज़मीन पे गिर पड़े थे, उन्हें लगा कि सब कोई ख़त्म हो चुका है और दोस्तों उन्होंने चेकिंग के लिए ना फिर से गोलियां मारनी शुरू की उन बॉडीज़ पे। ये एक वार टाइम में रूल आप कह सकते हैं, मरे हुए सोल्जर्स के ऊपर भी मारा जाता है और इनके अंदर फिर 6 गोलियां मारी गई और 21 गोलियां अब तक इन्हें लग चुके थे। 21 गोलियां हम सोच भी नहीं सकते एक गोली के बारे में कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन 21 गोलियां इन्हें लग चुकी थी और इनके सांसें अभी तक चल रहे थे, इनका बायां हाथ काम नहीं कर रहा था, पैर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सोल्जर्स वापस जा रहे हैं और उनकी बड़ी टुकड़ी है तो इन्होंने अपने ग्रेनेड को अपने जितना ताकत था उसके बलबूते उन्होंने निकाला, उसके क्लिप को खोला और उन्होंने चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रेनेड वहीं पे फंस गया और जो इनके बगल में पाकिस्तानी सोल्जर था उसके ऊपर ही फट गया, वहाँ तक वो पहुँचा नहीं ज़्यादा सोल्जर्स के ऊपर और वो सोल्जर इन्हीं के ऊपर गिर गया। तो पाकिस्तानी सोल्जर जो वापस जा रहे थे वो चौंक गए और उसके बाद उन्होंने सोचा कि कोई दूसरी कंपनी तो नहीं आ गई, इन्होंने आके चेक किया, सभी मरे पड़े थे, सर को भी चेक किया गया था लेकिन सर के ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर पड़ा हुआ था मरा हुआ और सर को सांसें भी उन्होंने कंट्रोल कर ली थी और उन्हें लगा कि नहीं सब ख़त्म हो चुका है और ये बचा हुआ ग्रेनेड रहा होगा। इसके बाद दोस्तों जब पाकिस्तानी सोल्जर्स चले जाते हैं तब सर जब आसपास अपने शहीदों को देखते हैं, जो जवान वहाँ पे रहते हैं उन्हें देखते, तो इनकी जो पेन होती है
दर्द वो अभी धीरे धीरे चढ़ने लगती है और ये चीखने लगते हैं। दोस्तों वहाँ पे सन्नाटे में कुछ नहीं था, ये कहते हैं कि सिर्फ मेरी चीखें ही चीखें थी। और एक टाइम ऐसा आता है जब इनके चीखें भी बंद हो जाती हैं और ये सुन पड़ जाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा था जो ये कह रहा था कि अभी तक तू नहीं मरा है तो अब तो तू मरेगा ही नहीं, तू आगे बढ़। ये क्रॉल करते हुए रेंगते हुए आगे तक गए क्योंकि जो कंपनी छूट गई थी पीछे वो नीचे ही थी, उन्हें कैसे करके इन्हें बुलाना था और बताना था। दोस्तों ये रेंगते रेंगते आगे तक गए और इनका एक हाथ जो काम कर रहा था उसके बलबूते वो क्लिफ पे लटक गए। ऐसा होता है जज्बा, क्लिफ पे वो लटक गए। तब जो कंपनी नीचे छूट गई थी उन्हें वो दिखे और उस समय फायरिंग बंद थी, तो वो आए उन्हें और एक के बाद एक पीछ पे लेके उन्हें नीचे की तरफ कैंप हॉस्पिटल की तरफ लेते गए। दोस्तों जब कैंप हॉस्पिटल में लेके गए, इनको इतना ज़्यादा गोली लग चुका था और माइनस टेम्परेचर में ये लोग लड़ रहे थे, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, कांप रही थी और स्टोव चला के इन्हें हीट दिया जा रहा था, हीटर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। सीओ साहब आते हैं, सीओ साहब आके इन्हें पूछते हैं कि तुम मुझे पहचान रहे हो, इनके तब तक देखने की भी क्षमता चली गई थी। तब योगेंद्र सर कहते हैं, जय हिंद साहब, मैं आपको देख नहीं पा रहा लेकिन मैंने आपकी आवाज़ सुनी है और मैं पहचानता हूँ आपको। उसके बाद इन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि कहाँ कहाँ वो स्टेशन है और इसके बाद ही डेल्टा और ब्रावो कंपनी चार्ज करती है और टाइगर हिल्स पे हमारा कब्जा होता है। इसके बाद योगेंद्र सिंह यादव को आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल सेंटर दिल्ली में भेजा जाता है, इनकी जो बोन्स है वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है। और लकीली दोस्तों जो 21 गोलियां लगती हैं वो इनके किसी वाइटल ऑर्गन को टच नहीं करती, इसीलिए इनका बचना मुमकिन हुआ था। इनकी जब आंखें खुलती है इतने दिनों तक ये आप कोमा में कह सकते हैं क्योंकि इनके होश चेत कुछ नहीं थे, इनके सीलिंग फैन की तरफ इनकी आंखें जब खुलती है और बगल में वो देखते हैं कि एक नर्स खड़ी हुई है, तो नर्स बताती है कि हमने टाइगर हिल्स पे कब्जा कर लिया है और डेल्टा और ब्रावो कंपनी और घातक प्लेटून के साथ हमने कब्जा किया है। दोस्तों आप अगर जानते हैं उनकी बायोग्राफी में भी रिव्यू करूँगा कि डेल्टा कंपनी में कौन वो फेमस ऑफिसर थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था टाइगर हिल्स पे ही। दोस्तों टाइगर हिल्स पे जब योगेंद्र सर ने बता दिया था कि सोल्जर्स एक्चुअली जवान्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो इसके बाद चढ़ाई करने में तो वही मुश्किलें आ रही थी, फायरिंग भी हो रही थी कि उन्हें पता था कि इंडियन आर्मी फिर से आएगी, लेकिन हमें इस बार कहाँ कहाँ पाकिस्तानी पोस्ट है लोकेटेड है वो हमें पता था। हम इसके बाद टाइगर हिल्स पे अपना जीत कायम करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत से अपने जवानों को खोना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों परमवीर चक्र मिलता है योगेंद्र सिंह यादव को, लेकिन इसमें एक रोचक तथ्य यह था कि उन्हें मरणोपरांत यानी कि पोस्थमसली मिला था जबकि ये दिल्ली हॉस्पिटल में थे, लेकिन बाद में क्लैरिफाई हुआ था कि ये जिंदा है। और इसके बाद इन्हें परमवीर चक्र मिलता है और आज भी आप रिपब्लिक डे में देख सकते हैं कि योगेंद्र सर हर बार जीप में आते हैं और इनके साथ और दो परमवीर चक्र अवार्डी आते हैं। आप अगर नाम बता पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कमेंट के माध्यम में। आज योगेंद्र सिंह यादव हर एक इंसान के लिए और यूथ के स्पेशली एक इंस्पिरेशन है और ये कहता है कि आपके अंदर अगर हौसला है और विल पावर है आप कुछ भी कायम कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे अराउंड 50% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब ही नहीं किया जो ट्रैफिक आ रही है। प्लीज़ आप देख रहे हैं और अच्छा लगता है आपको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी कंसर्न या फिर सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।